एक कब्र है और कब्र पर लिखा है, मैं भी बहुत अजीब हूँ। इतना अजीब कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। नमस्कार, किस्सा कहानी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। कब्र किसकी है? कब्र है पाकिस्तान के उस बदनाम खुदरंग शायर की, जिसे आदत थी खून थूकने की। इस पंक्ति में मैंने खुदरंग शब्द का इस्तेमाल किया है। खुदरंग यानी उनके जैसा रंग किसी और के पास नहीं है। दुबला पतला शरीर, लंबे बाल, काला चश्मा और सिगरेट से निकलता हुआ धुआं उस मकबूल शख्सियत की पहचान है। जनाब जॉन एलिया, युवाओं के लिए शायरी का रॉकस्टार, सूफियाना फ़कीरी और रवीस वालों के लिए हजरत जॉन एलिया, यारों के लिए जानी जॉन एलिया, वो शायर जो अपनी मौत के बाद मशहूर हुआ। शायद यानी गुमान, लेकिन, गोया इनकी प्रमुख किताबें हैं। जॉन के बारे में लिखते हुए कुमार विश्वास कहते हैं कि जॉन एक खूबसूरत जंगल है जिसमें झरवेरियां हैं, कांटे हैं, उगती हुई बेतरतीब झाड़ियां हैं, खिलते हुए वनफूल हैं, बड़े बड़े देवदारू हैं, शीशम है और चारों तरफ कूदते हुए हिरण, कहीं शेर भी है और कहीं मगरमच्छ भी। जॉन एलिया को जानने की आरजू हुई तब पता चला कि जॉन अमरोहा के हैं, उत्तर प्रदेश। साल 1931 में दिसंबर माह की 14 तारीख को जाने माने विद्वान और शायर अल्लामा शफीक हसन एलिया के घर जॉन एलिया का जन्म हुआ। जॉन जब 16 वर्ष के थे तब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और विभाजन के 10 साल बाद तक वो यहीं पर रहे और फिर पाकिस्तान चले गए। उनके पिता अल्लामा शफीक हसन एलिया भी एक कवि थे और यही बात थी कि जॉन को उर्दू, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान विरासत में मिला। जॉन एलिया कमाल अमरोही के छोटे भाई थे। आपको फिल्म पाकीज़ा तो याद ही होगी। कमाल अमरोही मशहूर बॉलीवुड फिल्म निर्देशक, पाकीज़ा के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर तीनों यही थे। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। मेरे कमरे में तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रमज है जिस रमज का मारा हुआ ज़हन। एक जबर कोई इत्तफाक नहीं, जॉन एलिया होना कोई मजाक नहीं। जॉन एलिया इतने अजीब थे, उनकी ख्वाहिशें उनसे भी ज़्यादा अजीब थी। वो बचपन में अब्बा से कहा करते थे, अब्बा मैं कभी बड़ा नहीं होना चाहता। उनकी ख्वाहिश थी कि जवानी में ही मर जाएं और उन्हें खून थूकने वाली बीमारी चाहिए थी। जॉन ने दुधारी तलवार की तरह ज़िंदगी जी, भीतर ही भीतर कटते रहे और बाहर ही बाहर काटते रहे। जॉन जवानी में जितने तीखे, बातूनी और ज़िंदा दिल हुआ करते थे, अपने आखिरी दिनों में उतने ही तनहा, कमज़ोर, चिड़चिड़े और ढले हुए तीखे तेवर के आदमी हो गए थे। उन्हें आखिरियत में देखकर मानो यूं लगता था कि कोई तलवार चमक कर रफ्ता रफ्ता म्यान में समा रही हो। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। रंग हर रंग में है दाद तलब, खून थूकू तो वाह कीजिए। हमने शुरुआत में कहा कि जॉन को खून थूकने का शौक था, वो इसलिए कि जॉन की शायरी से तो कई लोगों को इश्क हुआ, लेकिन एक मोहतरमा थी जो जॉन को दिल दे बैठी। उन्हें टीबी की बीमारी थी, उनके मुंह से कभी कभी खून निकलता था, जो जॉन को बहुत खत लिखा करती थी। अब मोहतरमा को तो जॉन से इश्क हुआ लेकिन जॉन को नहीं, लेकिन जॉन इश्क का दिखावा करते रहे। अब मोहतरमा का जब इंतकाल हुआ तो जॉन को बड़ा दुख हुआ। बाद में जॉन को भी टीबी हो गया और उन्होंने लिखा, शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। अमरोहा के आकाश से निकली तलवार जॉन एलिया कराची के म्यान में 2 नवंबर 2002 को समा गई। मुसलसल नींद न आने की शिकायत करने वाला ये शायर उस रोज़ कराची की ज़मीन पर यह कह के सो गया कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिए। धन्यवाद।
Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.